नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम ठीक है फसल उत्पादन के जो फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसी को समझेंगे। तो जैसे आपके सामने दिख रहा होगा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व, ठीक है। तो राष्ट्रीय क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। तो कृषि का महत्व को समझने के लिए ठीक है जैसे बताया गया है कि भाई कृषि जो कि भारत का सबसे बड़ा निजी उद्गम है ना, मतलब प्राइवेट इंटरप्राइजेज जिसको हम बोलते हैं वो है ना, हमेशा से ही भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा रही है तथा निकट भविष्य में भी रहेगी, क्योंकि हमको अधिकतर जो है हमारा जो जीडीपी स्रोत है ठीक है वो है ना, तो वो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है, ठीक है, मतलब उसकी इनकम में, ठीक है, भारत अपना जो राष्ट्र होता है उसकी इनकम में कृषि बहुत महत्वपूर्ण योगदान अपना देता है, क्योंकि जितना भी हमको रॉ मटेरियल मिलता है, कच्चा मटेरियल मिलता है, किसके द्वारा मिलता है, ठीक है, कृषि के द्वारा मिलता है, ठीक है। तो इसको कुछ संदर्भों में, ठीक है, जैसे राष्ट्रीय जीडीपी जो होती है अपनी, है ना, ग्रोथ रेट जिसको हम बोलते हैं, तो वो लगभग कितना है, 14.2% का योगदान कर रही है ना, 14.2% हमको योगदान देती है, ठीक है। तो इसको कुछ बिंदुओं के अंतर्गत समझा सकते हैं हम, तो कैसे बिंदु दिए गए हैं। तो जैसे पहला दिया है आपका राष्ट्रीय आय में योगदान, है ना, कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम, है ना, मतलब राष्ट्रीय आय हमारी जो रहती है उसमें कितना योगदान करती है कृषि। तो कृषि का राष्ट्रीय आय का में सर्वाधिक योगदान रहा है, ठीक है। अब अलग अलग सन में, मतलब है ना, 1950 से, ठीक है, बताया गया है यहाँ पर कि जीडीपी कितनी तरीके से रही है। तो यहाँ पर टेबल आप देख रहे होंगे आपके सामने कि वर्ष दिए हैं और वर्ष में सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान कितना रहा है। जैसे 1950 या 51 का जो साल था उसमें 56.1% योगदान रहा था, ठीक है। 1960 से 1961 में, ठीक है, 51% रहा, ओके। 1970 से 1971 में, है ना, 50% रहा। यह हर 10 साल में अपना ग्रोथ रेट के ये किया जाता है, एवरेज निकाला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से दिया हुआ है ना। तो सेकंड टॉप जो लिया है आपका रोजगार में योगदान, ठीक है। तो रोजगार में किस तरीके से कृषि सहायक होती है, ठीक है। तो रोजगार में कितने, मतलब जो हमारा यह प्रत्यक्ष रूप से कितने 23.4 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करती है, ठीक है। 58% जनसंख्या की आजीविका का साधन क्या है, कृषि ही है। मतलब कृषि से क्या होता है, अनाज उत्पन्न होता है, उस अनाज पर, ठीक है, सर्कुलेशन चलते रहता है, ठीक है, अलग अलग प्रकार के, ठीक है, लोग उससे जुड़ते हैं, ठीक है, व्यवसाय उससे जुड़ते हैं और फिर आपको, ठीक है, रोजगार प्राप्त होता है, ठीक है। तो रोजगार के संदर्भ में भी यह महत्वपूर्ण योगदान निभाती है, ठीक है। उसके बाद में विदेशी मुद्रा भंडारण में योगदान, तो विदेशी मुद्रा भंडारण में कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ओरिजिन एक्सचेंज रिजर्व, है ना, रिवर्स, तो उसमें क्या योगदान निभाती है। तो हमारा देश कृषि से प्राप्त उत्पादों में मुख्य रूप से चाय है, कॉफ़ी, तंबाकू, जूट, कपास, चावल, मछली, झींगा, पशुओं से प्राप्त उत्पादन इत्यादि का निर्यात करता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, उत्पादक हैं, जिनको हम क्या करते हैं, निर्यात करते हैं, और निर्यात करने पर हमको क्या प्राप्त होता है, विदेशी मुद्रा, है ना, विदेशी मुद्रा हमको प्राप्त होती है, ठीक है। तो हमारे देश ने कृषि संबंधित उत्पादों के निर्यात में लगभग 38,000 है ना 79 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा प्राप्त की, जो कुल निर्यात का लगभग कितना है 10.5% है, कुल निर्यात जितना करते हैं हम, ठीक है। तो आज़ादी के समय से कुल निर्यात में कृषि का योगदान कितना रहा, 41% रहा था, ठीक है। कुल निर्यात में कृषि की अपेक्षा अन्य उत्पादों एवं सेवाओं से विदेशी धन प्राप्त होना भारतीय अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता का घोतक है ना, मतलब भारत की जो सुदृढ़ता होती है वो निखरती है ना, वो बदनी रहती है, ठीक है, इस तरीके से बताया गया है। फिर जो फोर्थ पॉइंट दिया गया है, पूंजी निर्माण में योगदान, तो पूंजी निर्माण में कंट्रीब्यूशन इन कैपिटल फॉर्मेशन, तो कृषि अन्य उद्योगों से संचालन के लिए पूंजी निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कृषि पूंजी निर्माण के लिए एक मौलिक उद्गम है, उस पूंजी से कृषि संबंधित या कोई अन्य स्वतंत्र उद्योग खोले जाते हैं, ठीक है, मतलब जो प्राप्त होता है हमको, ठीक है, जो प्राप्त होती है चीज़ें, तो उससे हमको, ठीक है, उद्योग खोल सकते हैं हम, है ना, पूंजी जो प्राप्त होती है। अतः कृषि औद्योगिक विकास की जननी है,
ये भी आता है भाई, औद्योगिक विकास की जननी है ना, मतलब उद्योगों का निर्माण कैसे कर सकते हैं हम, है ना, पूंजी से कर सकते हैं, और पूंजी कहाँ से मिलती है हमको, ठीक है, कृषि से उसका उत्पाद उससे बेचकर हम कृषि पूंजी को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। व्यक्तियों की क्रय क्षमता में योगदान, तो कंट्रीब्यूशन इन परचेसिंग पावर ऑफ पीपल, है ना, मतलब व्यक्तियों जो पीपल्स होते हैं, लोग होते हैं, उनकी कार्य क्षमता का किस तरीके से योगदान रहता है ना। तो कृषि चूंकि देश की जनसंख्या के लगभग एक बड़े भाग में के आय का साधन है, ठीक है, अतः कृषि उत्पादकता देश की जनसंख्या के एक बड़े अनुपात की क्रय क्षमता को निर्धारित करती है, ठीक है, अतः कृषि भारत की बाजार प्रणाली को प्रभावित करती है। इस प्रकार कृषि देश की पूरी अर्थव्यवस्था को में उछाल या गिरावट को प्रभावित करने की क्षमता रखती है, मतलब वो गिरा भी सकती है और उछाल भी सकती है ना। जैसे हम साधारण अगर लोगों से बात करें या फिर उनसे चर्चा करें तो हमको समझ में आता है कि हाँ भाई आज मतलब इस साल भी फसल अच्छी नहीं हुई लोगों को, तो क्या होता है ना, खरीदी बिक्री कम हो जाती है, मतलब उसका जो रेट होता है वो गिर जाता है, ठीक है। और अगर अच्छी फसल हुई तो क्या होता है, बाजार में अच्छी खरीदारी करने लोग जाते हैं, जिससे उसमें क्या होता है, उछाल आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न आता है आपको वो पूछा जाता है भाई, भारतीय सॉरी कृषि व्यवसायीकरण की आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है, व्यवसायीकरण मतलब, ठीक है, कृषि का व्यवसायीकरण मतलब उसको एक ना व्यवसाय के रूप में किस तरीके से बनाया जा सकता है, तो उसके क्या क्या कारण हो, तो ठीक है क्या क्या कारण हो सकते हैं। जैसे पहला दिया यहाँ पे, कृषि को आजीविका का साधन न मानकर इसको व्यापार के रूप में लेना होगा, ताकि किसानों को गांव से शहरों की ओर पलायन रोका जा सके, है ना, उनका पलायन रोका जा सके, मतलब अगर उनको ठीक है गांव में ही अच्छा व्यवसाय मिल जा रहा है, कृषि मिल जा रही है, ठीक है, तो वो उनका गांव शहरों की ओर पलायन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, मतलब वो शहरों की ओर नहीं जा पाएंगे, ठीक है, रोजगार के लिए। दूसरा दिया है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसान की उपज का सही मोल भाव हो सके, ठीक है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार होता है आपका, उसमें किसानों को अच्छी अच्छी क्या मिलना चाहिए, उपज की सही मोल मिलना चाहिए, इसके लिए कृषि का व्यवसायीकरण जरूरी है, मतलब व्यवसाय बनाना चाहिए उसको, कृषि को, ठीक है। तो इस तरीके से अगला है, फसलों एवं किस्मों का चयन बाजार की मांग के अनुसार करना होगा, जिससे हम दूसरे देशों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके, मतलब जो फसलें होती है आपकी या किस्में जो होती है आपकी, तो बाजार की मांग के अनुसार करना होगा, ठीक है, मतलब बाजार में किस तरीके की मांग होती है, ठीक है। किसान की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए व्यावसायिक खेती अपनाना वैश्वीकरण किया जाए, है ना, है ना, व्यावसायिक खेती को अपना कर उसका वैश्वीकरण किया जाए, मतलब उसको फैलाया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से मात्रात्मक वृद्धि के साथ गुणात्मक वृद्धि का समावेश किया जाए, है ना, मात्रात्मक, है ना, मात्रा तो बढ़ रही है, मतलब पैदावार तो ज़्यादा हो रही है, परंतु उसमें गुणात्मक वृद्धि का भी समावेश होना चाहिए, मतलब उसमें क्वालिटी भी होना चाहिए, ठीक है, बस क्वांटिटी नहीं होना चाहिए उसमें, क्या होना चाहिए, क्वालिटी भी होना चाहिए, मतलब आपका जो फसल होगी वो अच्छी होना चाहिए, ठीक है। नई नई तकनीकियों के बारे में जानकारी प्राप्त करके कृषि व्यवसायीकरण, ठीक है, कृषि व्यवसायीकरण को बढ़ावा दिया जा सकता है, ठीक है, नई नई तकनीकों का उपयोग करके या फिर जानकारी किसानों को देकर हम क्या कर सकते हैं, कृषि व्यवसायीकरण के को बढ़ावा दे सकते हैं, मतलब उसको व्यापार बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले की जो मतलब जो प्राचीनतम पद्धति थी कृषि करने के लिए, तो उसमें क्या होता था, सिर्फ खाद्यान्न पूर्ति हो पाती थी, परंतु अभी अगर उसका व्यवसायीकरण होता है, मतलब अगर उसको व्यापार के रूप से हम ये करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमको लगेगी उसके लिए कि किस तरीके से उसको आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। अगला जो प्रश्न लिया है हमने वो है, आधुनिक कृषि पर आपको टिप्पणी लिखना है, ठीक है, तो आधुनिक कृषि पर क्या क्या आप टॉपिक्स लिख सकते हो, आधुनिक कृषि के बारे में क्या क्या आप बता सकते हो, तो उन चीज़ों के बारे में आप यहाँ से, है ना, डेटा कलेक्ट कर सकते हैं कि भाई आधुनिक कृषि से तात्पर्य कृषि की उस पद्धति से है जो प्रमाणित बीज, भरपूर खाद, सिंचाई, कीटाणुनाशक एवं रोगाणुनाशक रसायनों, मशीनों आदि के प्रयोग से अधिकतम उत्पादन व मुनाफा प्राप्त करने की सोच पर आधारित है, आधुनिक कृषि, ठीक है, मतलब उसमें कैसा होना चाहिए, मशीनों का यूज़ होता है, ठीक है, कीटनाशक और फिर रोगाणुनाशकों का, रसायनों का उपयोग करते हैं, खाद भरपूर मात्रा में दिया जाता है, बीज उत्तम क्वालिटी का होता है, ठीक
ठीक है, सिंचाई की जाती है। तो इन सबसे क्या होता है, मतलब इनका उपयोग हम किसके लिए अंतर्गत करते हैं, तो मॉडर्न एग्रीकल्चर जिसको बोलते हैं हम, आधुनिक कृषि जिसको बोलते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के यंत्रों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आधुनिक कृषि एक की यह विशेषता है कि यह ज्ञान आधारित कृषि प्रणाली है। ठीक है, मतलब नॉलेज बेस्ड, ठीक है, ज्ञान प्राप्त करना रहता है। अलग अलग पद्धति से लोग फसलों को का रोपण करते हैं, उसके लिए फिर अलग अलग तकनीक का उपयोग करते हैं, कुछ इसी तरीके से। ठीक है, तथा इसमें कृषि के क्षेत्र में होने वाली समकालीन वैज्ञानिक खोजों एवं अनुसंधानों का समय समय पर समावेश किया जा रहा है। ठीक है, मतलब वैज्ञानिकों की भी राय इसमें जरूरी होती है, वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन लिया जाता है। ठीक है, और फिर उनकी सलाह के अनुसार खेती की जाती है। यह कृषि अब केवल जीवन जीवन को उपार्जन का साधन ही नहीं है, अपितु लाभ कमाने के उद्देश्य से एक अच्छा व्यवसाय भी है। ठीक है, मतलब जीवन को उपार्जन है ना, जीवन को उपार्जन मतलब अपनी आजीविका चलाने का साधन नहीं है, अब क्या है, वो व्यवसाय बन चुकी है कृषि। ठीक है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, ज़्यादा उत्पादन होने पर है ना, जो अतिरिक्त, ठीक है, अतिरिक्त जो उत्पाद है, उत्पादन उत्पादन है हमारा, उसको मार्केट में बेचकर हम पूंजी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप टिप्पणी लिख सकते हो। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम अगले प्रश्नों को सॉल्व करके आपको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।